जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांचवें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी आज जामनगर और जयपुर में भविष्य की दृष्टि से तैयार दो आयुर्वेदिक संस्थानों को राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्पित करेंगे। इन संस्थानों को आयुर्वेद की प्रगति और विकास में काफी अहम माना जा रहा है। ITRA जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में और NIA जयपुर को विश्वविद्यालय दर्जा हासिल करने वाले संस्थान के रूप में राष्ट्र को समर्पित करना न केवल आयुर्वेदिक दिशा के आधुनिकीकरण बल्कि परंपरागत औषधि के क्रमिक विकास में भी ऐतिहासिक कदम है। इससे उन्हें आयुर्वेदिक शिक्षा के मानकों को उन्नत बनाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने और अधिक से अधिक प्रमाणों के लिए आधुनिक अनुसंधान में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए स्वायत्तता प्राप्त होगी। भारत में जन स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए प्रभावी और सस्ते समाधान उपलब्ध कराने में आयुष स्वास्थ्य पद्धतियों की अभी तक उपयोग में नहीं आ सकी संभावनाओं का दोहन करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आयुष शिक्षा का आधुनिकीकरण भी प्राथमिकता के क्षेत्र में है। इस उद्देश्य से पिछले 3-4 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका इस वर्ष आयुर्वेदिक दिवस के आयोजन के केंद्र में रहेगी। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो प्रकृति के साथ प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना सिखाता है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का आधार है। 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 नवम्बर को पांचवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये संस्थान आयुर्वेद की प्रगति और विकास में विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे। आयुर्वेद एक स्पष्ट संक्षिप्त सहयोगी विज्ञान है और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। लोगों को अपने मन और शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से संतुलन लाकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। हजारों वर्षों से इंसान के स्वास्थ्य के लिए जितनी भी दवाइयां बनी हैं वो जल, थल, वायु, पानी से बनी हैं। और आयुर्वेदा जो हजारों वर्षों का ज्ञान है, वेदा है, आज भी हर आधुनिक दवाई में इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना हम अपने भारत की 3000 साल पुरानी इस विद्या को, इस वेदा को, इस वरदान को अपने भारत का, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य प्रणाली दी है जो हमारे बुद्धि, शरीर, ऊर्जा का संतुलन करती है। मैं आज भी हल्दी दूध पीता हूँ, आज भी मैं पंचकर्मा और आयुर्वेदिक क्रियाओं का पालन करता हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुश हूँ। मेरा सलाम है सभी उन गुरुओं को, उन चिकित्सकों को और उन शिक्षकों को जो आयुर्वेदा के द्वारा ये वरदान जो है जनता तक पहुँचा रहे हैं और खासकर आयुष मिनिस्ट्री को। देयर इज ट्रेमेंडस विजडम in the healthcare traditions like Ayurveda. I have personally experienced the rewards. I regularly follow practices like sipping warm water throughout the day, inhaling steam once a day, and having my daily dose of Chwan Prasht. I also have internalized some elements of Ayurvedic Discharya, like Yogasana and dietary habits. I believe these Ayurvedic practices have helped me maintain general health and staying mostly clear of diseases. कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावित भूमिका इस वर्ष आयुर्वेदिक दिवस का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगी। ITRA जामनगर और NIA जयपुर को राष्ट्र को समर्पित करना न केवल आयुर्वेदिक शिक्षा के आधुनिकरण बल्कि परंपरागत औषधि के क्रमिक विकास में भी ऐतिहासिक कदम है। किरण भारद्वाज, DD News।